तो दोस्तों मैं आपको इसके अंदर का तामझाम खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ है, कितना खर्चा लगता है इसको लगाने में, घर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयर वेंटिलेटर की, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। एयर वेंटिलेटर कितने रुपए का आता है, कारीगर इंस्टॉल करने का कितनी कॉस्ट, कितने रुपए लेता है कारीगर इंस्टॉल करने का, एयर वेंटिलेटर कितने प्रकार के होते हैं, क्यों लगाने चाहिए, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या नुकसान है इसके, घर में लगाना चाहिए या नहीं लगा सकते, फैक्ट्रियों में ज़्यादा क्यों लगे होते हैं, इसका काम क्या है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उस पर भी आपने बहुत प्यार दिया, तो इस वीडियो में भी हम कंप्लीट एयर वेंटिलेटर की बात करेंगे, बिजली से चलता है या बगैर बिजली से चलता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में। मेरा नाम है मौली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मौली सिंह 1986 है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे एयर वेंटिलेटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा काम चल रहा था, ये एयर वेंटिलेटर पहले आप देख लें, ध्यान से देख लें इसको, इसके नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका जो ढांचा बना हुआ है फाइबर शीट से बना हुआ है। दोस्तों ये जो शीट है ये सीमेंट फाइबर शीट है, और सीमेंट फाइबर शीट में सीमेंट फाइबर शीट जैसे ढांचे वाला ये बनता है, मतलब इसका डिज़ाइन अलग है। प्रोफाइल शीट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका डिज़ाइन भी दिखाऊंगा। तो इसका प्राइस हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, जिनको सिर्फ प्राइस में इंटरेस्ट है वो वीडियो के एंड में चले जाओ, वहाँ पे जाके देख लो, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे दोस्तों काम चल रहा था, यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, कैंचियाँ तैयार कर रहे हैं। पुराना शेड हमने एक उखाड़ा था तो वो शेड यहाँ पे लगा रहे हैं। ये हमारा आईबेल का वेल्डिंग मशीन है, इसका कंप्लीट रिव्यू मैंने कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके ज़रूर चेक करें। तो अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ड्रिल मशीन की, तो ये पाइपों को पेंट यहाँ पे कर रखा है। हम बिल्कुल नज़दीक से आपको एकदम अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि एयर वेंटिलेटर क्यों लगाते हैं, कैसे काम करता है, बिजली से चलता है, ऐसे चलता है। ये शेड हमने यहाँ पे पहले लगाया था, तो अभी हम इसके ऊपर जाके, ऊपर जो एयर वेंटिलेटर आप देख पा रहे हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा, तो इनके बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे। दोस्तों ये हमारा एयर वेंटिलेटर है, स्टील से बना हुआ है, लगभग 2 किलो इसमें वजन है। तो एक मैंने आपको पहले दिखाया था सीमेंट फाइबर शीट में लगा हुआ, उसका ये जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर जो ढांचा है ये वाला, उस वाले एयर वेंटिलेटर का फाइबर शीट से बना हुआ था। ये पॉलीकार्बोनेट शीट है, अनब्रेकेबल, इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इससे आपके घर के अंदर या फैक्ट्री के अंदर या जहाँ भी गोदाम, ज़्यादातर गोदामों में लगते हैं, घरों में कम लगते हैं, कोई शौकीन बंदा होगा तो लगा लेगा घर में, इसका कुछ खास घर में फ़ायदा नहीं है। जो गोदाम चारों तरफ से पैक होते हैं, बंद होते हैं, अनाज के गोदाम या किसी ने अपना प्राइवेट गोदाम बना रखा, तो उसके लिए ज़्यादा ये उसमें यूज होते हैं वेंटिलेशन के लिए, जैसे इसका नाम है एयर वेंटिलेटर। तो अभी मैं आपको इसके अंदर का तामझाम दिखाता हूँ, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ड्रिल मशीन की। तो मैं ड्रिल मशीन को निकाल लेता हूँ, यह हमारी कोर्डलेस ड्रिल मशीन है आईबेल की, इसका मैंने कंप्लीट रिव्यू डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप ऊपर आई बटन में देख पाएंगे। अगर आपने अभी तक इसका कंप्लीट रिव्यू नहीं देखा तो जाके देखें, 2 बैटरी, 1 चार्जर और ये ड्रिल मशीन चालू। तो दोस्तों मैं आपको इसके अंदर का तामझाम खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ है। यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, वो हम खोल लेंगे। दोस्तों सभी स्क्रू खुल चुके हैं, अभी मैं इसको उठाऊंगा
और आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी खास मैकेनिज्म नहीं है। ये इसके अंदर एक यहाँ पे बैरिंग है और वजन में बहुत ही हल्का होता है, हवा की वजह से घूमता है, ना कि इसमें कोई बिजली का तार लगता है। तो ये आपने देख लिया, इसको अगर मैं यहाँ पे रख दूँगा तो ये आप देख सकते हैं हवा चल रही है, ये घूम रहा है। अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो नीचे की हवा और ऊपर की हवा मिलके इसको ज़ोर से घुमाती है। अभी आप बाकी के एयर वेंटिलेटर देख सकते हैं, काफ़ी ज़ोर से घूम रहे हैं ये, क्योंकि नीचे पड़ा हुआ है इसलिए स्लो घूम रहा है। तो इसमें कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है। इसको लगाने से आपके गोदाम स्टोर में रोशनी आएगी, सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा एयर वेंटिलेशन के लिए होता है, अंदर गर्मी में उमस हो जाती है, बारिश के दिनों में गर्मी लगती है अंदर में गोदामों के अंदर, अगर कुछ काम वाम चल रहा है तो, अगर कुछ फैक्ट्री है तो वहाँ पे भी लगते हैं। सामने फैक्ट्री आप देख सकते हैं, सामने फैक्ट्री, जूम करके सामने फैक्ट्री आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी लगा हुआ है। तो आपने देख लिया, अभी हम इसको फिर से ऊपर रख देंगे। स्क्रू मैं बाद में लगा दूंगा, मेरा काम था आपको दिखाना। ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है। ये प्रोफाइल शीट है, नीचे जो लगी हुई है ब्लू कलर की, प्रोफाइल शीट के लिए फाइबर में भी मिलता है स्ट्रक्चर नीचे वाला, और पॉलीकार्बोनेट में भी मिलता है। प्रोफाइल शीट ये वाली है, प्रोफाइल शीट के लिए पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ ढांचा भी मिलता है और फाइबर शीट से बना हुआ ढांचा भी मिलता है। आपको कौन सा लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, पॉलीकार्बोनेट शीट अच्छी होती है, ठीक है। तो ये जो है ये लोहे का भी बना होता है, जिस्ती शीट बोलते हैं हम, उससे भी बना होता है और स्टील से भी बना होता है। तो ये जो है जो पॉलीकार्बोनेट शीट ये जो है इसको हम अभी स्क्रू लगा देंगे बाद में, वीडियो ख़त्म करने के बाद। ये जो है ये पॉलीकार्बोनेट शीट है और इसके साथ ऊपर जो लगा हुआ है घूमने वाला पंखा, ये स्टील से बना हुआ है। तो इसका प्राइस है 4000 रुपये, 4000 रुपीज़। जो मैंने उधर आपको दिखाया था फाइबर से बना हुआ, अगर इसके अंदर भी फाइबर से बना हुआ लगाएंगे तो वो जिस्ती शीट का बना हुआ, ये जो ऊपर का पंखा है ये जिस्ती शीट का बना हुआ होगा और ये स्ट्रक्चर जो नीचे वाला है ये फाइबर से बना होगा। तो फाइबर वाला, फाइबर प्लस जिस्ती शीट वाला जो जो सेट है, हाँ बोल, तो फाइबर प्लस जिस्ती शीट से बना हुआ जो सेट है उसका प्राइस है 3000 रुपये। ये जो पॉलीकार्बोनेट शीट और स्टील से बना हुआ जो पंखा है, इन दोनों को मिला के इसका प्राइस है 4000 रुपये। तो वो 3000 रुपये में पूरा सेट है, ये 4000 रुपये में पूरा सेट है। दूसरी बात, ये तो आपको पता चल गया इसमें कोई बिजली नहीं लगती है, अपने आप घूम रहा है। देखें आप, मैंने आपको अभी खोल के भी दिखा दिया। अगर इसमें गड़बड़ यही है, अगर इसके ऊपर कुछ भी हल्का फुल्का भी दबाव आ गया तो इसके ये जो पंखे आप देख पा रहे हैं ये सब बिंगे टेटे हो जाएंगे, तो उससे इसमें तामझाम गड़बड़ हो जाएगा। मतलब फिर हो सकता है ये ना घूमे आने वाले समय में। अभी तो मैं अगर इसको ऐसे उल्टे डायरेक्शन में घुमा देता हूँ तो भी ये थोड़ी देर बाद अपने आप अपने वापस उसी डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो चलिए आपको इसका मैं इंस्टॉलेशन का भी थोड़ा तरीका बता देता हूँ और कितना खर्चा लगता है इसको लगाने में, घर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ये देखिए इंस्टॉलेशन इसका ऐसे होता है जैसे हमने कर रखा है, यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे शीट, नीचे शीट है, शीट के ऊपर ही आएगा, यहाँ पे जो बारिश का पानी पड़ेगा वो इधर जाएगा, ठीक है, जो पीछे से पानी आएगा वो इसके ऊपर आएगा, इससे पानी आगे चला जाएगा। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि बारिश में इसके अंदर से पानी भी जाएगा या नहीं, या क्या सीन है। इसके अंदर पानी नहीं जा सकता बिल्कुल भी, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही ऐसा बना हुआ। इधर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, ये देखें, अगर कहीं से भी हल्का सा भी दबाव आया तो ये ऐसे हो जाता है। तो
आपको बड़ी सावधानी से इसे लगाना पड़ता है या लगवाना पड़ता है और इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो जो पीछे वाला था हमने उसको उल्टे डायरेक्शन में किया था, फिर से पीछे वाला दिखाओ, अभी वो फिर से देख सकते हैं आप सीधे डायरेक्शन में हो गया। तो जैसे जैसे हवा चलती है इसका यही डायरेक्शन है, ये ऐसे ही घूमता रहेगा। तो दोस्तों लगभग सभी पॉइंट मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे मैंने कवर कर लिए हैं। प्राइस बता दिया आपको, इंस्टॉलेशन 500 रुपये लगते हैं, जो कारीगर फिटिंग करेगा वो एक एयर वेंटिलेटर फ़ैन के 500 रुपीज़ लेगा आपसे। हाँ, और घर में फालतू में लेंटर में ये नहीं लग सकता है, माने आपके शीट कोई लगी नहीं हुई फिर भी आप चाहते हो कि मेरे घर में लग जाए, तो ऐसा ऐसे लगना मुश्किल है, ऐसे में नहीं लगेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ इसके टाइप की जगह होनी चाहिए आपके पास जिसमें ये लग पाए। शेड होना चाहिए किसी तरह का, शेड के ऊपर लग सकता है। बाकी अगर बहुत बड़ा शेड है तो उनके लिए भी सजेशन है, आप कुछ इस तरह का वेंटिलेटर ओवरलैप ये भी कर सकते हैं। इसमें से हमने नीचे से 3 शीटें निकाली हुई है और ऊपर से 6 शीटें डाली हुई है, जिसमें कि बारिश का पानी अंदर नहीं जाता। हवा, ये जहाँ पे मैं अभी हूँ ये गुरुद्वारा है लुधियाना में, गुरुद्वारा फेरूमान शहीदा, तो यहाँ पे ये शेड लगा हुआ था। नीचे ये दोनों काम कर रहा है, ओवरलैप जो है इससे भी हवा और रोशनी जा रही है, और ये जो पंखे हैं इनसे भी हवा और रोशनी। ये तो सिर्फ हवा कुछ खास नहीं निकालते हैं, ना ही इनके अंदर से नीचे हवा जाती है, सिर्फ नीचे की उमस जो है उसको थोड़ा कम करने के लिए इसको लगाया जा सकता है। ज़्यादातर फैक्ट्रियों में लगते हैं, घरों में बहुत ही कम हमने अभी तक, मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैंने घरों में बहुत ना के बराबर लगाए हैं, एक दो घरों में लगाए होंगे जहाँ पे कुछ बड़ा शेड लगा हुआ है। तो बाकी सुंदरता के लिए मुझे लगता है कुछ लोग लगवाते हैं घरों में। तो मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी है दोस्तों, इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए हैं सभी तरह के। अभी इसका एक दो जो नुकसान है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कारीगर इसको सही ढंग से इंस्टॉल नहीं करेगा तो इसमें से पानी जा सकता है, इसमें से पानी नहीं जाता। ये जो घूमने वाला पंखा है, ये जो नीचे का तामझाम है, नीचे का जो इसका जो ढांचा है, इसको अगर सही तरीके से फिटिंग नहीं करेंगे तो इसमें से पानी जा सकता है। बताता हूँ मैं आपको, ये जो पीछे वाली शीट है ये ऊपर आएगी, ये नीचे आएगा, इसके आगे जो शीट है जहाँ पे ये ख़त्म होगा वो आगे वाली शीट फिर से नीचे होगी, इसके नीचे आएगी आगे वाली शीट। तो अगर ये वाली शीट इस ढांचे के ऊपर अगर कर देंगे तो इसमें से पानी लीकेज होना ही है भैया, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो कारीगर से बोल के अच्छे से फिटिंग करवाएं, बाकी इसके अंदर से किसी तरह की कोई लीकेज नहीं होती है, आंधी तूफान आता रहे चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इसके ऊपर सावधानी ये है, आप इसके ऊपर पैर नहीं रख सकते, टूटने का डर है। फाइबर का होगा तो जल्दी टूट जाएगा, पॉलीकार्बोनेट शीट वाला जो ये वाला है ये ज़्यादा समय तक टिकेगा। एक बार फिर से प्राइस बता देता हूँ आपको जाते जाते, ये स्टील का पंखा प्लस ये नीचे का इसका ढांचा पॉलीकार्बोनेट का, ये दोनों मिला के 4,000 रुपये। इसकी इंस्टॉलेशन चार्ज कारीगर आपसे लेगा 500 रुपये। फाइबर वाला जो उधर मैंने आपको दिखाया था फाइबर से बना हुआ, अगर इस वाली शीट पे भी फाइबर से बना हुआ लगाना होगा तो भी वो भी लग जाएगा। वो जिसती शीट का पंखा होगा और नीचे का जो ढांचा है वो फाइबर शीट से बना होगा, उसका प्राइस है 3,000 रुपये, 500 रुपये उसकी भी इंस्टॉलेशन लगेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी molisingh1986 है। एक ज़रूरी सूचना आपको बताना चाहूँगा, मैं हर रविवार रात को 9 बजे यूट्यूब पर लाइव आता हूँ, हर रविवार एवरी संडे लाइव ऑन यूट्यूब चैनल SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। अगर आपको आपका कोई सवाल सुझाव या अनुभव है तो वो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। एवरी संडे हर रविवार को मैं यूट्यूब पे रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, 9 से 10 लगभग, 9 से 11 भी हो जाता है कभी कभार, तो ये मेरा लाइव का टाइम है। अगर इस वीडियो में भी आपको कुछ लगे कि कोई सवाल छूट गया है, कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ, हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूँ बताना आपको, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटे का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।